जब मैं छोटा था और मैंने क्रिकेट देखना बस शुरू किया था, तब उस समय कई महान दिग्गज खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉन और अनिल कुंबले जैसे खिलाड़ी क्रिकेट खेला करते थे। जहां बैटिंग में सबको सचिन तेंदुलकर की नकल करने का शौक था और उनके जैसा बनना था, वहीं मुझे भी MRF का बैट देखकर जो खुशी होती थी वो अलग ही थी। बचपन में वैसे बल्लेबाज तो सब बनना चाहते थे, पर एक क्रिकेटर ऐसा भी था जिसको देखकर बच्चे बल्लेबाज नहीं बल्कि बॉलर बनना चाहते थे। मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक, शेन वॉन की। इनकी बॉल जो अंदर की तरफ स्पिन होती थी, उसको देखकर हर कोई इनका फैन बन जाया करता था। मैं भी बन गया और डिसाइड कर लिया था कि गली का बेस्ट लेग स्पिनर बनना है। दिन भर उन्हीं की नकल करता रहता था। वक्त के साथ इनका एक्शन, इनका स्टाइल सब कुछ कॉपी करने लगा, और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं था बल्कि लाखों लोग उनको इसी तरीके से फॉलो करते थे। 4 मार्च 2022 को दुनिया भर के फैंस को तब शॉक लगा जब खबर आई कि शेन वॉन अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका हार्ट अटैक से थाईलैंड में निधन हो गया। उनकी उम्र मात्र 52 साल थी। अपने शानदार करियर में उन्होंने कई ऊंचाइयों को छुआ, जिनमें इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 विकेट्स लेना हो या फिर अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताना। ऑन द फील्ड तो वो खूब पॉपुलर थे ही, पर क्रिकेट जगत में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं थी। आज की इस वीडियो में हम शेन वॉन के उसी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शेन कीथ वॉन का जन्म 13 सितंबर 1969 को ऑस्ट्रेलिया के अपर फर्नट्री गली विक्टोरिया में हुआ था। शेन वॉन की मां का नाम ब्रिजेट वॉन और पिता का नाम कीथ वॉन है। शेन बचपन से ही स्पोर्ट्स में अच्छे हुआ करते थे। शुरुआत में तो शेन ने भी नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनेंगे, इसीलिए वो लेग और ऑफ स्पिन दोनों डाला करते थे और नीचे बैटिंग करने आते थे। वो पहली बार क्रिकेट के मैदान पर 1983 के विक्टोरियन क्रिकेट एसोसिएशन अंडर 16 डाउलिंग शील्ड कॉम्पिटिशन में दिखे, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब को रिप्रेजेंट किया। इसके बाद वो अलग अलग एज ग्रुप्स और क्लब्स के लिए भी खेले, जहां वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। जब 1987 में क्रिकेट का ऑफ सीजन था, तब शेन ने सेंट किल्डा फुटबॉल क्लब की अंडर 19 टीम से 5 मैच खेले। क्रिकेट के अलावा वो फुटबॉल में भी काफी अच्छे थे। 1988 में जब उनको विक्टोरियन फुटबॉल लीग से टीम ने डीलिस्ट कर दिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करेंगे, और यहां से शेन वॉन का क्रिकेट का सफर शुरू हुआ। शेन वॉन ने अगले 3 साल अलग अलग क्लब्स के लिए अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1991 में उनको अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का मौका मिला। उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू 15 फरवरी 1991 को विक्टोरिया की तरफ से खेलते हुए हुआ, जिसमें उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, पर इसके बाद भी उनको सितंबर में जिम्बाब्वे के टूर पर जाने वाली ऑस्ट्रेलिया बी टीम का हिस्सा बनाया गया। टूर के सेकंड मैच में उन्होंने 49 रन देकर 7 विकेट्स लिए और टीम को जीत दिलाई। यहां शेन वॉन ने दुनिया को दिखाया कि वो कितने कमाल के गेंदबाज हैं। 1992 में ऑस्ट्रेलियन स्पिनर पीटर टेलर जब 2 मैचेस में विकेट लेने में नाकामयाब रहे, तो शेन वॉन को उनकी जगह इंडिया के खिलाफ खेलने का मौका मिला। वॉन भी अपने डेब्यू मैच में सिर्फ 1 ही विकेट ले सके। उनका पहला विकेट रवि शास्त्री थे। दूसरे टेस्ट में उनको 1 भी विकेट नहीं मिली, जिसके बाद उनको अगले मैच के लिए टीम से ड्रॉप कर दिया गया। डेब्यू से पहले उन्होंने सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे। अपने अगले मैच में भी उनकी बुरी फॉर्म चलती रही और श्रीलंका के खिलाफ पहली इनिंग्स में विकेटलेस रहने के बाद दूसरी इनिंग्स में उन्होंने लास्ट के 3 विकेट्स 1 भी रन दिए बिना ले लिए और ऑस्ट्रेलिया को 16 रन से जीत दिलाई, जिसके बाद अर्जुन रानातुंगा ने कहा था कि हमसे इस जीत को शेन वॉन ने छीन लिया। और यहीं से शेन वॉन का सफर सही मायने में शुरू हुआ। इनके ODI डेब्यू की बात करें तो उन्होंने अपना ODI डेब्यू 23 मार्च 1993 को न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। वो न केवल टेस्ट बल्कि इस फॉर्मेट में भी काफी खतरनाक गेंदबाज साबित हुए और इसी के दम पर 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताने में उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई और मैन ऑफ द मैच बनकर वो आगे आए। वो 2007 तक क्रिकेट खेलते रहे। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 145 मैचेस में 708 विकेट्स लिए, वहीं वनडे करियर में 194 मैचेस में 293 विकेट्स, और इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 विकेट लेने वाले वो और मुथैया मुरलीधरन दो ही खिलाड़ी हैं। रिटायरमेंट के बाद शेन वॉन IPL में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन भी बने और पहला IPL का खिताब टीम को जिताया। इसके कई साल बाद तक वो टीम से बतौर मेंटोर जुड़े रहे। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वो कमेंटेटर के रूप में भी काम करने लगे और इसी के साथ साथ शेन वॉन फाउंडेशन को भी उन्होंने चलाया। तो दोस्तों, ये थी इनकी प्रोफेशनल लाइफ। वहीं इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो 1995 में उनकी शादी साइमन कैलाहान से हुई, जिनके साथ वो 2005 तक शादी के बंधन में रहे। इनसे उनके 3 बच्चे भी हैं। आज शेन वॉन भले ही हमारे बीच नहीं है, और जिस तरह के वो इंसान थे, वो बातें हमेशा हमें उनकी याद दिलाती रहेंगी। तो दोस्तों, यही थी कहानी शेन वॉन की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।